कभी मियां बीवी की होती है तकरार? तो कभी होता है अभीर और अरमान के बीच प्यार? हो रही है नए रिश्ते की शुरुआत। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब भी रूही और अभीरा एक दूसरे के सामने आती है दोनों लड़ने झगड़ने लगती हैं, लेकिन कहानी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि अरमान, अभीरा और रूही तीनों ही फंस गए हैं रसोई में और शुरू हो गई है रूही अभीरा के बीच टशनेबाजी, जिसे संभालते हुए नजर आ रहे हैं अरमान। मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस समझ में नहीं, समझ आई थी कि नहीं, चुप, एकदम चुप। अभीरा तुम वहां जाके बैठो, रूही तुम यहाँ बैठो, और तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो अरमान के कहने पर दोनों शांत तो हो गई, लेकिन तभी तेज एसी के चलते रूही को लगने लगती है ठंड और अरमान दिखाता है उसकी फिक्र। ऐसे में अभीरा ये देखकर चलती है, आफ्टर ऑल वो अरमान से प्यार जो करने लगी है और उसे भी अरमान की फिक्र है, लेकिन जब तक रूही सामने रहेगी तब तक अभीरा और रूही के बीच टशनेबाजी होती रहेगी। होली पे तो अपने मन की बात बोलने वाली थी, आज तो मंकी बनी फिर रही हो। हाँ चुप, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही बुरा है। तुम वर्स हो, तुम वर्स हो, तुम महावर्स हो। रूही बोलो कि हुआ क्या है? मुझे क्या पता क्या हुआ है, शायद होली के गुलाल का रिएक्शन हो रहा है। सारे कलर्स तो गुलाल वगैरह सब तो ऑर्गेनिक था, तो होली के दिन सब कुछ तो गलत हो रहा था, हो सकता है ये भी गलत हो गया। मुझे तो लगता है घर में इंसान ही गलत आ गया। दोनों तकरार तो बहुत करती हैं, लेकिन अरमान की बात भी बखूबी मानती है। वैसे अभीरा उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि रूही उसके अरमान के नजदीक आए। ऐसे में देखिए कैसे गुस्साई अभीरा अरमान को अपना गुस्सा दिखाती है और उसी कंधे पर जोर जोर से मारती है जिस कंधे पर रूही ने अपना सर रखा था। लाओ तुम्हारे गले आई मीन तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है, लाओ मैं दबाऊं। जी बिल्कुल, जरूरत है, नीचे बैठो। जरूरत अभीरा मतलब जरूरत है खरूसान, जरूरत है। और जैसे ही रूही की बात सामने आती है तो वो उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अभीरा क्या हुआ, तुम मेरा गला दबाने वाली थी?
हाँ वो दूसरे मुद्दे के ऊपर है, वो इस मुद्दे के ऊपर है कि वो रूही से थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, तो उसके रहते चलते मैं उन्हें टॉन्ट मारती हूँ, अच्छा बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा ये, अच्छा कंधे कहीं दुख तो नहीं रहे हैं ये और वो, जैसे हम आम लड़कियाँ सारी की सारी करती हैं, तो आई थिंक वही थोड़ा सा टॉन्ट वाला था। अभीरा को अपने प्यार का एहसास तो हो रहा है, साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ है कि गलती से उसने रूही को कुछ गलत बातें बोल दी थी। ऐसे में रूही और अभीरा जैसे ही आमने सामने आते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ दोनों के एक दूसरे से बहन वाला कनेक्शन फील भी होता है। बड़ा दिल रखो तो टेकिंग द हाई रोड कहते हैं, और तुम पहाड़ों से हो तो मुझे तो हाई रोड लेने पर आते, तुमने भी बड़ा दिल रखते हाई रोड। कभी कभी गुस्से में हम मुद्दे से हट कर पर्सनल अटैक करते हैं जानबूझ के, ताकि सामने वाले को हर्ट हो, तो ये वैसा वाला अटैक था कि हमने मुद्दे की बात तो छोड़ दी, हमने बोला तेरी तो फैमिली नहीं है, तेरी भी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे भी तो पापा नहीं है, तो दोनों को हर्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को हर्ट किए जा रहे हैं ईगो में, तो वैसा वाला सीन था। बाद में हमें थोड़ा सा वो होता है तो हम एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। भाई पोदार परिवार में जितने भी रिश्ते उलझे थे वो एक एक कर सुलझ रहे हैं, और एक ऐसा ही रिश्ता है कृष और संजय का जो अब सुलझेगा, वो भी इस हादसे के बाद। असल में डांस कंपटीशन के दौरान कृष के पैरों पे लग गई है जबरदस्त चोट, जिसके चलते उसका पैर टूट गया है और वो अस्पताल में हो गया है भर्ती, साथ ही वो हो रहा है इमोशनल भी। उसकी इमोशंस देखकर अभीरा और अरमान से भी रहा नहीं जा रहा, वो भी बेहद दुखी हैं और कृष को अपना दुख जताते हैं। डॉक्टर, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा ना, प्लीज बताइए, मैं स्टेज पे वापस जा पाऊंगा ना। तो उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, स्पेशली मुझे और अरमान को, क्योंकि मैंने और अरमान ने ही वो इनिशिएटिव उठाया था कि हम इसका फ्यूचर फ्यूचर गोल्स में इसको सपोर्ट करेंगे, जो है इसके लिए म्यूज़िक में और डांस में अपना करियर परस्यू करना। हम दोनों फैमिली के अगेंस्ट जाके हमने बोला हम इसे संभालेंगे, हम इसे देखेंगे कि ये कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ के साथ, हम इसे सपोर्ट करते हैं, आप लोग हम पे भरोसा कीजिए। और फिर उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत जल्दी कृष रिकवर भी करेगा एंड जो उसका पैशन है वो फॉलो भी करेगा, एंड ऑडियंस को बहुत ही एक कह सकते हैं कि जो मेरे कैरेक्टर का एक अलग फेज है ना, जो एक अलग रूप है, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शोकेस दैट आल्सो। जो कृष है उसका परफॉर्मेंस भी होने वाला है आगे बहुत जल्द, बहुत ही अमेजिंग सोलो परफॉर्मेंसेज भी होने वाले हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू पोर्ट्रे दैट आल्सो। सो काफ़ी अभी आगे मज़ा आने वाला है। बिल्कुल सही कहा कृष, क्योंकि इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं संजय को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और अब हो सकता है आगे के एपिसोड में नजर आए कि संजय अपने बेटे के पैशन को समझे और अभीरा के साथ मिलकर कावेरी को भी इस बात का एहसास दिलाए कि हर प्रोफेशन अपने में नंबर वन है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 हेल्दी एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और हाँ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।